जो सच्चाई बताई, सच्चाई नहीं बताई गई, जितने हमले हुए भारत में, हमले हुए, जितना रक्तपात मचा, जितने बलात्कार हुए, वो सब बताई नहीं गए इसमें। वो बताना चाहिए ना, रियल चीजें लोगों को मालूम पड़ेगी, जब ही तो हिस्ट्री को जानेंगे लोग। चंद वरदाई और जो काका काना वाला कैरेक्टर थे, ये सही थे, उनके कैरेक्टर ये रियल थे, ये कैरेक्टर सारे रियल थे, लेकिन जो स्टोरी थी वो थोड़ी सी चेंज करी गई थी। अच्छा, मोहम्मद गौरी का रोल आपको कैसा लगा? मोहम्मद गौरी को बड़ा चढ़ा के दिखाया गया, वो एक नंबर का, मतलब वो लंपट टाइप का आदमी, लुटेरा था। पहली चीज, वो भी सुल्तान नहीं था गजनी का, उसको इतिहास में बताया गया कि वो एक लुटेरा था। अच्छा बता दिया गया इसमें, उसको उसका महिमा मंडन कर दिया कि सुल्तान है और गजनी का सुल्तान है और वहाँ से आया था और उसकी रियाया ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, पृथ्वीराज जी की वीरता को अच्छे से दर्शाया गया फिल्म में? हाँ, वो अच्छे से दर्शाया गया। जिन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं ही कहना चाहूँगा कि इस पिक्चर को ज़रूर देखें और हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ाई करें, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर ये पिक्चर बनी है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी होना चाहिए। इस तरह की और बनती रहना चाहिए, इस तरह की पिक्चर और बननी चाहिए। महाराणा प्रताप पे बने, शिवाजी पे बने, राणा सांगा पे बने, बहुत सारे लोग हैं। भारत में वीरों की कमी नहीं है, इतिहास वीरता से भरा हुआ है भारत का।